नमस्कार दोस्तों, अलाउंडर बात कर रहा हूं। तो कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे छोटे और मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। और अपने छोटे और अपने प्यारे भाइयों से माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि भाई पर डे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूं। लेकिन भाई कुछ ऐसे ही रीजन थे कि मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया। दो दिन पहले ओवर हुरिकेन्स और सिडनी सिक्सर का मैच था, उस दिन उस नाइट मैंने वीडियो डाला था रात के 2 बजे, और मैच का जो विनर भी मैंने एडवांस में दे दिया था कि सिडनी सिक्सर जीतेगा। लेकिन मार्केट की हवा के चक्कर में, मार्केट की कुछ चूतियों के चक्कर में आकर अपने मन को बदला मैंने, और उस टीम को बदल के मैंने जो सिडनी सिक्सर मैंने यूट्यूब पे दिया था वो बदल के मैंने ओवर हुरिकेन्स दिया। तो उस मैच में अपना लॉस हुआ, मेरा भी लॉस हुआ, आपका भी लॉस हुआ। उस चक्कर में दिमाग इतना खराब हो गया था कि भाई मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मैं एक कदम पीछे हटता हूं ना तो 2 कदम आगे आता हूं, ये बात मैंने आप लोगों को दिखा भी दी है। अगर जो भाई विश्वास नहीं करते तो भाई देख भी लो, क्योंकि इस मैच जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की 3 मैचों की सीरीज चल रही है। अब ये 3 मैचों की सीरीज में पहला मुकाबला बारिश के चक्कर में धुल गया, दूसरे मुकाबले में जो काम मैंने कराया वो ओवर हुरिकेन्स और सिडनी सिक्सर का जो धब्बा लगा था मेरे ऊपर वो मैंने धो डाला। 45 पैसे का जैकपॉट कैश कराया सभी भाइयों को। जो भाई यहाँ पे ये सोचकर मेरा चैनल ज्वाइन करते हैं कि भैया लाइफ टाइम कभी भी एक भी मैच लॉस नहीं होगा, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है लाइफ में। अगर ऐसा ही होता तो भाई मुझ में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। जो चीजें होती हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर हार है तो जीत भी है, जीत है तो हार भी है, लेकिन जीत का परसेंटेज कितना है और हार का परसेंटेज कितना, ये है। अगर मेरी एक हार होती है तो मैं बौखला जाता हूं, समझ रहे हो? मुझे आदत है आप लोगों को कंटिन्यू बैक टू बैक जितवाने की। 10 मैच कराऊंगा तो भाई 9 मैचेस में आपको 101% जितवा कर जाऊंगा, और हो सकता है कि आपको 20 मैच कराऊं तो 20 में से बीच में मैच भी आपको पास कराऊं। ये तो देखो सोने पे सुहागा वाली बात है कि 20 में से 20 पास हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं आपको 20 में से 10 मैच फेल कराऊं और 10 मैच पास कराऊं, 20 में से 5 मैच पास करवाऊं, 15 मैच फेल कराऊं, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये मेरा काम नहीं है। मैं एक हार से बड़ा बौखला जाता हूं, एक हार से पगला जाता हूं। जो हार हुई थी उसका बदला मैंने सूद समेत लिया है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो त्रिकोणी सीरीज चल रही है, उस मैच में जो कि मैच नंबर 2 जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी दिखाऊंगा, जो कि मैंने इस मैच में जो काम कराया था उसमें उसका जो कि पूरा हिसाब बराबर मैंने किया है। तो ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी में देखो, इस मैच की मैंने वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि टेंशन में दिमाग था, थोड़ा प्रेशर में दिमाग था, इसलिए इस मैच की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो इसलिए मैंने जो डायरेक्ट जो बंदे हमारे टेलीग्राम पे ऐड थे, ज्वाइन थे, हमारी फैमिली का हिस्सा थे, जो कि आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल हमारा ऑलराउंडर फैमिली के नाम से है, इसी चैनल पे इस मैच का जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था मैं आपको दिखा देता हूं। एक सेकंड, देखो आप डेट देख सकते हो, 12 दिसंबर का दिन था, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच था, मैच नंबर 2 जो कि आपको दिख रहा होगा, मैच नंबर 2 T20, मैच विनर साउथ अफ्रीका, पूरा मार्केट इंडिया के साथ था, 80-85 पैसे का ओपन रेट से भाव चल रहा था, इंडिया फेवरेट था। फिर मैं आपको आगे भी दिखाता हूं, ये तो देखो 78 पैसे की एंट्री मेरी पहली एंट्री थी जब इंडिया फेवरेट था, ठीक है? उसके बाद 45 पैसे, 45 पैसे का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, 45 पैसे इंडिया फेवरेट है, ये देख लीजिए, खाओ साउथ अफ्रीका विन करो, समझ रहे हो मेरे भाई? तो 45 पैसे का जैकपॉट कैश कराया, वो भी बोलकर कराया। ये मेरे ऑडियो डले हैं, जो भाई डर रहे थे ना जब चौके आ रहे थे, छक्के आ रहे थे, सूर्यकुमार पेल रहा था, तभी मैंने बोला था कि इंडिया हैवी रेट से फेवरेट है, खाकर आइए, जितना कमा सकते हो कमा लेना, ओवर हुरिकेन्स और सिडनी सिक्सर का जो हार हुई थी उसका दाग मिटा रहा हूं मैं, उसका सूद समेत मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूं, तो लॉस भी रिकवर करो और विद प्रॉफिट में भी आओ। 4500 का मतलब, 45 पैसे का रेट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, 45,000 रुपए का 1,00,000 रुपए, समझ रहे हो आप? एक तरफ आपके 45,000 रुपए जाएंगे और 1,00,000 रुपए मिलेंगे इंडिया पे, सॉरी साउथ अफ्रीका पे। और मैंने मैच का विनर भी बोल दिया था कि कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा। और आज वाले मैच में जो कि बिग बैश का मैच नंबर 7 जो कि खेला गया था पर्थ स्कॉचर्स मेलबोर्न स्टार के बीच में, इस मैच में कोई एंट्री जरूर नहीं थी लेकिन डायरेक्ट टीम का विनर देकर गया था, क्योंकि कुछ मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो कि खाने के चक्कर में पड़ते हैं और उस मैच में भी लॉस करा बैठते हैं। तो ये मैच का जो डायरेक्ट विनर दिया था पर्थ स्कॉचर्स जीतेगा, दिख रहा होगा आज का मैच था
डायरेक्ट एंट्री नहीं कराई, बस केवल मैच का विनर दिया और हमारी टीम नॉन कटिंग जीती है ये मुकाबला। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं, जब मैं एक कदम पीछे लेता हूं ना तो दो कदम, तीन कदम, चार कदम, पांच कदम आगे की सोचता हूं मेरे भाई, विद जैकपॉट के साथ। तो ये तीन मैचों की सीरीज है, पहला मुकाबला बारिश के चक्कर में धुल गया है, दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका जीत चुकी है, तीसरा मुकाबला जो कि भाई कल खेला जाएगा, ये मुकाबला साउथ अफ्रीका इंडिया के बीच में खेला जाएगा। रेट आप देख सकते हो 85-86 पैसे रेट चल रहा है, इंडिया फेवरेट है यहाँ पे। पहला मुकाबला सॉरी दूसरा मुकाबला जो है साउथ अफ्रीका जीत चुकी है। चलिए 8:30 बजे ये मुकाबला आपको कल देखने को मिलेगा और मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है इस मैच में, कितने परसेंटेज चांसेस हैं टीम के। तो साउथ अफ्रीका 28% चांसेस और टीम इंडिया के 72% चांसेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे टीम इंडिया का पड़ला भारी नजर आ रहा है मुझे, और पिछले 10 मुकाबलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का पड़ला भारी नजर आ रहा है और इंडिया थोड़ा पीछे चल रही है साउथ अफ्रीका से। जब जब इन दोनों टीमों के बीच में 10 मुकाबले अगर देखे जाएं तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका आगे नजर आ रही है। तो ठीक है आगे चलते हैं, रिसेंटली जो मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में हुए थे अभी हाल ही में, तो मैं आपको बताऊंगा 2023 में 12 दिसंबर को जो पहला मुकाबला जो कि कल के दिन देखा गया था उसमें साउथ अफ्रीका जीती थी DLS मेथड से, और ये मुकाबला ये 2022 में इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था उसमें भी साउथ अफ्रीका जीती थी 5 विकेट से। और आगे चलते हैं, उसमें भी ये भी जो मुकाबला है 2022 में खेला गया था इसमें भी साउथ अफ्रीका जीती थी 49 रन से, समझ रहे हो मेरे भाई। तो अभी तीन मुकाबले बैक टू बैक आपको दिख रहे होंगे ये साउथ अफ्रीका जीत रही है, समझ रहे हो। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के पिछले मैंने रिसेंटली तीन मुकाबले आपको दिखाए हैं पिछले साल के इस साल के, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का पड़ला भारी नजर आ रहा है। तो ये मुकाबला कल 14 दिसंबर 2023 को 8:30 बजे आपको देखने को मिलेगा डिज्नी हॉट स्टार स्टार स्पोर्ट 2 HD पर आप ये मुकाबला आप देख सकते हो। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि रेट आपके सामने है, मैच आपके सामने है, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, अगर ये मुकाबला टीम इंडिया जीतती है तो भाई ये सीरीज हो जाएगी लेवल, क्योंकि पहला मुकाबला तो बारिश की वजह से धुल गया है। अब पहला अगर एक मुकाबला साउथ अफ्रीका जीतती है वो जो कि जीत चुकी है, और दूसरा मुकाबला अगर इंडिया जीत जाती है तो बराबर हो जाएगा, T20 में कोई नहीं जीतेगा, मतलब बराबर ड्रॉ हो जाएगी एक तरीके से। अगर कल का मुकाबला साउथ अफ्रीका जीत लेती है तो ये सीरीज साउथ अफ्रीका के नाम हो जाएगी। तो माही मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, इंडिया पूरा का पूरा दम लगाएगी, पूरी दम लगा देगी ये मुकाबला जीतने के लिए, क्योंकि चाहेगी कि भाई सीरीज हमें नहीं हारना। और जब जब साउथ अफ्रीका से मुकाबले होते हैं टीम इंडिया के T20 में, तब तब इंडिया हारती है साउथ अफ्रीका से। अभी जो तीन मुकाबले आपको दिख रहे हैं रिसेंटली उसमें यही समझ में आ रहा है कि साउथ अफ्रीका आगे नजर आ रही है। तो मैं आपको आगे ले चलूंगा, आगे आपको क्या ले चलूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो बिग बैस के मैचेस चल रहे हैं, ये बिग बैस का वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि जो मैच आज था ना 13 दिसंबर को दिख रहा होगा आप लोगों को, 13 दिसंबर को जो आज पहला मुकाबला था पर्थ स्कॉचर्स और मेलबोर्न स्टार के बीच में, तो ये जो अब मुकाबला होने वाला है ये मैच नंबर 8 जो कि आपको देखने को मिलेगा एडिलेड स्ट्राइकर और सिडनी थंडर के बीच में, तो ये मुकाबला आपको 19 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो आज 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 दिन के बाद बिग बैस का मैच स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अभी कोई चीज नहीं बच रही थी टीम इंडिया का मैच कवर करने के अलावा, तो मैं सिर्फ सभी भाइयों से यही बोलूंगा, मैच की प्रिडिक्शन और मैच का विनर तो मैं आपको देकर ही जाऊंगा, तो जाते जाते एक ही बात बोलूंगा सभी भाइयों से, अगर चाहते हो कि रेगुलर वीडियो आता रहे मेरा, तो सभी भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चलिए। अगर आपको प्रॉफिट करना है, आपको प्रॉफिट लेना है, तो आपको करना क्या है, तो मैं एक ही बात बताऊंगा, गूगल तो सभी भाई जानते हैं, बच्चा गूगल का नाम जानता है, तो गूगल पे आपको सर्च करना है ऑलराउंडर फैमिली, ये करना है आपको, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, तो ऑलराउंडर फैमिली सर्च कर लीजिए गूगल पर, और जैसे ही आप ऑलराउंडर फैमिली डालकर सर्च करते हो तो नीचे एक पेज ओपन हो जाएगा ऑलराउंडर फैमिली के नाम से, तो ये पेज आपको दिख रहा होगा, इसी पेज पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप बटन दबाओगे इसी पेज पे तो डायरेक्टली आप हमारे YouTube चैनल पर आ जाओगे, मेरी बात समझ रहे हो आप, डायरेक्ट आप मेरे YouTube चैनल पर आ जाओगे, तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है मेरे भाई, तो सभी भाइयों को अगर चाहते हो मैच का विनर, चाहते हो कि भैया पर मैच में हमारा काम हो जाए, हमारा प्रॉफिट बन जाए, तो भाई देखो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको भी पता है नाइट में 2 बजे 3 बजे कभी कभी 4 बजे भी वीडियो अपलोड करता हूँ, इतनी मेहनत जब कर रहा हूँ, हार होती है तो उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, उसको छुपाता नहीं हूँ,
उसको दिखाता हूं आप लोगों के सामने। आज भी बताया कि होबर्ट हुरिकेन्स और सिडनी सिक्सर के मैच में हार हुई थी, उसका बदला मैंने 45 पैसे का जैकपॉट, और आज जो कि बिग बैस का मैच नंबर 7 पर्थ स्कॉचर्स और मेलबोर्न स्टार के बीच में खेला गया उस मैच का भी बदला लिया है। तो दो मैचेस मैंने बैक टू बैक आप सबको दिए हैं, उसमें 45 पैसे का जैकपॉट भी कवर है विद बोल के विद एंट्री के साथ। जो भाई डरते हैं ना एंट्री लेने में, हाथ पैर कप जाते हैं कि भाई अब कैसे जीतेगी, 45 पैसे लगी है टीम इंडिया, आप तो चौके भी आ रहे हैं छक्के भी आ रहे हैं, 180 का टारगेट हो गया है, कैसे जीतेगी, हाउ कैन पॉसिबल, उसमें हिम्मत देने का काम मेरे भाई का मुझ मेरा रहता है। मैं देता हूं आप लोगों को हिम्मत कि भैया चाहे आंधी आए तूफान आए गदा आती कुछ भी हो, दुनिया एक इधर से उधर हो जाए, लेकिन साउथ अफ्रीका का साथ नहीं छोड़ना है। तो ये बात मैं बोलता हूं, आपका भाई बोलता है, तो सभी भाइयों से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरी मेहनत बर्बाद मत जाने देना मेरे छोटे मेरे प्यारे भाई। आप मेरा वीडियो देखते हो 10 मिनट का 15 मिनट का 20 मिनट का, लेकिन इस वीडियो के पीछे बनाने में कितनी मेहनत लगती है मेरे भाई, कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है मैं ही जानता हूं मेरे भाई, कितनी मेहनत लगती है जब मैच स्टार्ट होता है 8:30 बजे जब मैं बैठता हूं आप लोगों के सामने, कितनी मेहनत लगती है ये मैं ही जानता हूं। तो इस मेहनत को खराब मत जाने देना मेरे भाई, इस सब्सक्राइब कर लेना, इस नीचे दिए गए सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको और आ रहा होगा, तो सभी भाई मेरे वीडियो देख रहे हो सुन रहे हो समझ रहे हो तो सभी भाई सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं मैच के रिगार्डिंग कि भाई कौन जीत रहा है ये मुकाबला, तो उससे पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा आप सबसे, आप मेरे छोटे और अब मेरे बड़े भाई हो, तो देखो मैं आप लोगों की मदद करूं, आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं, तो उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप सबने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई मैं फिर आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुकाबले में अभी बहुत टाइम है, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का ये मुकाबला बहुत टाइम है, क्योंकि 8:30 बजे कल के दिन खेला जाएगा, और मैं वीडियो बना रहा हूं अभी आज के दिन ही बना रहा हूं, लेकिन 12 बजे रात को बना रहा हूं, तो 12 बजे से 8:30 बजे शाम बहुत समय है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी खिलाड़ी यहां वहां हो सकता है। अगर मैं कोई प्रिडिक्शन देकर जाऊं और मेरी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाए तो भाई ये मत सोचना कि मेरी प्रिडिक्शन यहां रॉन्ग हो गई यूट्यूब पे, मेरी प्रिडिक्शन अगर रॉन्ग हो भी गई तो मैं जो भी प्रिडिक्शन आएगी 8:30 बजे तक तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और देखो बैक टू बैक मैचेस जितने भी पास कराऊं सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक और फायदा है सबसे बड़ा, यहां पे मैं मैच का विनर देकर जाऊंगा, उसमें आप इतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना आप टेलीग्राम चैनल पर हाथ पकड़ के जो मैं काम कराऊंगा 8:30 बजे से फर्स्ट बॉल से लेके लास्ट बॉल तक, जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता लास्ट तक, लास्ट वाले ओवर तक भाई कौन जीत रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपका भाई विद एंट्री के साथ आपको हाथ पकड़ के काम कराएगा। अगर 40 पैसे क्या 20 पैसे भी टीम लग रही होगी, 20 पैसे क्या 5 पैसे भी टीम लग रही होगी और अपनी टीम जीतेगी, डंकी की चोट पे अगर जैकपॉट उड़ेगा तो भाई मैं आपको यहां पे जैकपॉट एंट्री भी कराऊंगा बिना डरे, क्योंकि आपके डर के पीछे मैं खड़ा हूं। तो सभी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। करना क्या है, कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाओ और भैया सर्च कर लो ऑलराउंडर फैमिली, जैसे ही सर्च करोगे हमारा चैनल आ जाएगा, जैसे हमारा चैनल आता है ज्वाइन का नीचे ऑप्शन मिलेगा, वहां ज्वाइन कर लेना। अगर आपको किसी भी भाई को प्रॉब्लम आती है सर्च करने में तो भाई इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से जाकर सभी भाई ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए अब मैं बात करूंगा कि भाई कौन जीत सकता है ये मुकाबला, तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच का जो विनर हो सकता है वो सीरीज लेबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इज्जत बचाएगी टीम इंडिया की टीम, तो यहाँ पे लड़ेगी भी और मरेगी भी टीम इंडिया की टीम, लड़कर मरेगी टीम इंडिया की टीम, तो सिर्फ टीम इंडिया की टीम के साथ रहना इस मुकाबले में, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि पिछले मैच में बहुत सारे प्लेयर्स जल्दी से आउट हो गए थे, जैसे कि मान के चलो शुभमन गिल, और भी अच्छे प्लेयर्स सुरेश अय्यर, और भी अच्छे प्लेयर्स का नाम ले सकता हूं, और कुछ ऐसे प्लेयर्स खेल सकते हैं तीसरे T20 मैच में जो कि आपने सोचे भी नहीं हो, तो इसलिए टीम इंडिया के साथ रहना। जब जब मैच में साउथ अफ्रीका फेवरेट मिले तो खाते चलना और टीम इंडिया को प्लस करते चलना, जब जब मैच में साउथ अफ्रीका मिले, मेरा बोलने का मतलब आप समझो, जब जब आपको साउथ अफ्रीका की टीम फेवरेट मिले तो खाते चलना और अपनी टीम इंडिया को प्लस करते चलना। तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अभी हाल के लिए अपनी टीम है टीम इंडिया, अगर कुछ चेंजेस होते हैं कुछ बदलाव होते हैं, अगर टीम का विनर बदलता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सबको बता दिया जाएगा, तो वहां से आप सभी भाई ज्वाइन कर रखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो मिलते हैं आज के दिन 8:30 बजे इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के एक महामुकाबले में।